हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ। 50 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। एंड दोस्तों, आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पर थ्योरी सेशन हर एक चैप्टर का डिटेल में पढ़ाया गया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। एंड मैंने बीपीएससी टीआई 2 में 79-80 वीडियोज का ऑल चैप्टर का एक एक करके मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है। एंड दोस्तों, 2024 के बैच का ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए 98 प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, चलते हैं आवाज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्लपूल बॉथ में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, वर्लपूल बॉथ में बायोन्सी लॉ टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें गर्म पानी एक टैब में रख दिया जाता है और मशीनी तकनीकी के द्वारा भंवर के रूप में उसमें घूमता है, जिसमें शरीर के भाग को डुबोया जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स उदासीन होकर शरीर के भाग को बायोन्सी के कारण पानी में तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोथेरेपी का संबंध किससे है? तो दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी का संबंध गर्म जल, ठंडा जल एंड बर्फीली जल उपरोक्त सभी से है। याद रखिएगा, गर्म पानी की चिकित्सा को हाइपरथर्मिया एंड ठंडे पानी की चिकित्सा को हाइपोथर्मिया बोला जाता है। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु का आधार बड़ा हो तो उसका संतुलन कैसा होगा? तो दोस्तों, स्थिर होगा, स्टेबल होगा, यानी कि अच्छा संतुलन के लिए वस्तु का आधार चौड़ा होना चाहिए, गुरुत्वाकेंद्र में यानी कि सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो है वो नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट है, एंडोलिम्फ फ्लूइड हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपने आंसर दे दिया होगा। तो एंडोलिम्फ हमारे कान के अंदर द्रव पाया जाता है जो हमारे शरीर की संतुलन बनाता है, यानी कान के दो कार्य होते हैं, एक सुनना, दूसरा संतुलन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंट्रास्ट बॉथ का संबंध किससे है? तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सूजन कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें ठंडा और गर्म दोनों जल का प्रयोग बारी बारी से किया जाता है। कंट्रास्ट बॉथ में पहले ठंडा पानी फिर गर्म पानी का प्रयोग अलग अलग बर्तन में बारी बारी से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रायोकाइनेटिक्स क्या है? दोस्तों, क्रायोकाइनेटिक्स क्या होता है? इसमें बर्फ का प्रयोग कर अभ्यास कराया जाता है, यानी कि ठंडा और चिकित्सकीय व्यायाम हिंदी में कहेंगे और इसको इंग्लिश में क्रायोकाइनेटिक्स कहेंगे। इसमें चोटिल भाग पर बर्फ का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके सामान्य गति के लिए व्यायाम दर्द महसूस होते व्यायाम कराया जाता है और दर्द महसूस होते ही उसको रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके कारण रक्त वाहिनियों का व्यास कम हो जाता है? कल के वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था कि हम चोट के तुरंत बाद बर्फ का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके कारण रक्त वाहिनियों का जो व्यास होता है वो कम हो जाता है। तो किसके कारण रक्त वाहिनियों का व्यास कम हो जाता है? तो बर्फ के कारण, इसीलिए चोट के जस्ट बाद हम बर्फ का मॉलिश करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? दोस्तों, यहां पे आपको देखना है कि हाइपोथर्मिया गर्म जल की चिकित्सा है
ठीक है। एंड हाइपोथर्मिया दोस्तों, हाइपोथर्मिया जो है वो ठंडे जल की चिकित्सा है, हाइपर लगा रहेगा तो गर्म जल की, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया ठंडे जल की चिकित्सा है, क्रायोथेरेपी भी ठंडे जल की चिकित्सा है, कोल्ड थेरेपी भी ठंडे जल की चिकित्सा है, बट हाइपरथेरेपी आपका गर्म जल की चिकित्सा है, इसलिए यह विषम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से पुनः स्थापन यानी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी कि पुनर्निर्माण यानी कि आपका पुनर्वास जिसे कहते हैं में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पुनर्वास के लिए। वो तीन विधियां होता है आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए, व्यायाम विधियां एंड मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां एंड चिकित्सा विधियां। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोथेरेपी, गैट प्रशिक्षण, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये तीनों चिकित्सा विधि हैं। तो ये तीनों आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी पुनः स्थापना में प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेवलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवलोमीटर का प्रयोग संतुलन यानी बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊंचाई के खिलाड़ी का संतुलन अच्छा होता है, तो चौड़ा आधार और कम ऊंचाई, सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट नीचे, ये सभी संतुलन अच्छा होता है। तो यहाँ पे किस ऊंचाई के खिलाड़ी का संतुलन अच्छा होता है, तो छोटे खिलाड़ी, छोटे ऊंचाई की, ठीक है, छोटे ऊंचाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय योग संस्थान यानी मोरारजी देसाई योग संस्थान, राष्ट्रीय योग संस्थान है जो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है एक धावक दौड़ते समय अपने शरीर के ऊपरी भाग को आगे झुकाकर क्यों चलता है, ठीक है। एक धावक दौड़ते समय अपने शरीर के ऊपरी भाग को आगे झुकाकर क्यों रखता है, तो कभी भी आप देखते होंगे कोई भी दौड़ता है तो एकदम सीधा खड़ा होकर नहीं दौड़ पाता है, आगे उसका जो अपने शरीर का आगे की ओर झुका लेता है। क्यों झुकाता है दोस्तों, यह गुरुत्वाकर्षण बल के लाभ के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, कि संतुलन बना रहे गिरे ना। नेक्स्ट है ताजी व तीक्ष्ण चोट क्या कहते हैं, ताजी व तीक्ष्ण चोट को क्या कहते हैं, तो दोस्तों प्रकृति के आधार पर चोट जो है एक्यूट, पोस्ट एक्यूट एंड अवधि के आधार पर, सॉरी दोस्तों चोटों के अवधि के आधार पर चोटों को तीन भागों में बांटा गया है, एक्यूट इंजरी, पोस्ट एक्यूट इंजरी एंड क्रोनिक इंजरी। एक्यूट इंजरी ताजी व तीक्ष्ण चोटें होती हैं, तुरंत की लगने वाली चोटें, जैसे 0 से 12 घंटे तक की चोटें होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, एक्यूट इंजरी, ताजी व तीक्ष्ण चोटों को एक्यूट इंजरी कहा जाता है। तो चोटों की अवधि के आधार पर तीन भागों में एक्यूट, पोस्ट एक्यूट एंड क्रोनिक इंजरी बांटा गया है। एक्यूट इंजरी ताजी व तीक्ष्ण चोटें होती हैं जो 0 से 12 घंटे तक की होती हैं। अब पोस्ट एक्यूट इंजरी, यह एक्यूट चोटों की अवधि से ज़्यादा यानी 12 से 48 घंटे तक की, एंड क्रोनिक इंजरी पुरानी व गंभीर चोटें होती हैं जो 48 घंटे से ज़्यादा की होती हैं, और क्रोनिक इंजरी का इलाज अल्ट्रावायलेट यानी कि अवरक्त किरणों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो राउंड बैक काइफोसिस कुबड़े को ही कहते हैं, काइफोसिस हंच बैक ये तीनों एक ही को कहते हैं, जो हमारा जो वच वाला भाग पीछे का रीढ़ की हड्डी का बाहर की तरफ निकल जाता है जिसे कुबड़ा कहते हैं, इसको राउंड बैक, काइफोसिस, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। तो तीनों एक ही है, लेकिन हॉलो बैक जो है वह कमर वाले भाग की जो अग्रकुब्जता होती है, पेट बाहर निकल जाता है और कमर में गड्ढा हो जाता है जिसे लार्डोसिस कहा जाता है, उसके अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों यहां पे पेस कैवस, जिसे क्ले फूट को पेस कैवस बोला जाता है, पैरों में ज्यादा वक्र बन जाता है, ज्यादा गड्ढा हो जाता है गाय के खुर के जैसा, उसे क्ले फूट या पेस कैवस बोलते हैं। एक होता है पेस प्लैनस, जिसे फ्लैट फूट को पेस प्लैनस बोला जाता है, जिसमें कोई वक्र नहीं बनता, पैर का तलवा पूरा सपाट होता है, और उसको पेस प्लैनस या फ्लैट फूट बोला जाता है। और जेनुवल्गम, नॉकनी जेनुवल्गम, नॉकनी जेनुवल्गम, तो जेनुवल्गम नॉकनी में दोनों घुटने सट जाते हैं, तो ये भी पैर के ही हैं। तो यानी ये पेस कैवस, पेस प्लैनस, जेनुवल्गम तीनों पैर से संबंधित विकृति है, बट स्कोलियोसिस जो है रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉर्स राइडिंग से किस विकृति का समाधान होता है? तो दोस्तों हॉर्स राइडिंग से जो जेनुवल्गम यानी नॉकनी होता है, दोनों घुटने आपस में सट जाते हैं, उसको जेनुवल्गम या नॉकनी बोला जाता है। अब जो दोनों घुटने बाहर की तरफ धनुषाकार टांगें हो जाती हैं, उसको बाउ लेग या जेनुवरम बोला जाता है। दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो हॉर्स राइडिंग जो है बेस्ट है आपका जेनुवल्गम यानी कि नॉकनी के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो यहां भी आपको देखना है, वही क्वेश्चन दे दिया क्या? तो एक क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स राइडिंग में, ये भी हो गया, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है, एक मीडियम पेस बॉलर में सामान्यतः कौन सी विकृति पाए जाने की संभावना रहती है? तो एक मीडियम पेस बॉलर में एक तरफ झुक के करता है, इसलिए उसको स्कोलियोसिस की समस्या हो जाती है। किसकी समस्या हो जाती है? स्कोलियोसिस की। स्कोलियोसिस में क्या होता है? रीढ़ एक तरफ झुक जाता है, जिससे लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन भी कहा जाता है। स्कोलियोसिस को लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन कहा जाता है। इस शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाता है, इसमें सी आई एस की आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकृति को ओवर प्रोनेटर भी कहते हैं? कल के वीडियो में आपने देखा होगा इनर प्रोनेटर पूछा था, तो इनर प्रोनेटर का क्या आंसर था? पेस कैवस यानी क्ले फूट को इनर प्रोनेटर यानी कि अंधे जो तलवे में गड्ढा हो जाता है, इनर प्रोनेटर, उसको पेस कैवस यानी क्ले फूट कहते हैं। यहाँ पे ओवर प्रोनेटर यानी कि बाहर समतल हो जाता है पैर का तलवा, उसको कहते हैं पेस प्लैनस यानी कि फ्लैट फुट, पेस प्लैनस यानी कि फ्लैट फुट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोअर बैक की विकृति है? लोअर बैक, और अपर बैक में आपका पीछे का वच वाला भाग आ जाएगा, जिसमें काइफोसिस होता है, वच वाला बाहर निकल जाता है। और लोअर बैक यानी कमर वाला भाग की बात कर रहा है, कमर नीचे अंदर धस जाता है और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, इसको लार्डोसिस कहेंगे। ठीक है, लोअर बैक की विकृति को हम लार्डोसिस या अग्रकुब्जता कहेंगे। लार्डोसिस में हमारा जो एब्डोमिन मसल्स होता है, पेट की मसल्स, वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोसिस नामक विकृति किस अंग्रेजी वर्णमाला जैसा आकार लेती है? तो दोस्तों यह सी यस आकार का होता है, अगर गर्दन के पास है तो सी आकार का, रीढ़ की हड्डी में है तो वो एस आकार का होता है, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनोग्राफ नामक उपकरण से क्या मापा जाता है? स्पाइनोग्राफ, स्पाइनोमीटर, दोनों से मापा जाता है स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम मांसपेशी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों डायफ्राम मांसपेशी और इंटरकॉस्टल मसल, दोनों को रेस्पिरेटरी मसल्स बोला जाता है।
इसी के फैलने और सिकुड़ने से जो फेफड़े होते हैं बाहर की तरफ गति करते हैं और अंदर की तरफ गति करते हैं। जब इंट्राकोशन मसल सिकुड़ती है तो डायफ्राम मसल्स जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, वो भी सिकुड़ता है और फेफड़े के जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है और उसमें आयतन बढ़ जाता है, यानी जगह ज़्यादा हो जाता है, जिसमें फेफड़े के अंदर जो है वायु दाब कम हो जाता है। और वायु और गैसों का ये सिद्धांत होता है कि वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो जब फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम हो जाता है तो बाहर उच्च दाब रहता है, तो उच्च दाब से वायु अंदर आने लगती है निम्न दाब की तरफ। इस प्रकार इंस्पायरेशन यानी कि श्वास अंदर लेना होता है। लेकिन जब श्वास बाहर छोड़ते हैं उस कंडीशन में इंट्राकोशन मसल्स रिलैक्स यानी कि शिथिलन अवस्था में आ जाती है, डायफ्राम जो है ऊपर उठ जाता है, वो भी शिथिलन अवस्था में आता है। और जो फेफड़ों के अंदर जो है फेफड़ा अंदर की तरफ गति करती है और फेफड़े के अंदर का आयतन कम हो जाता है यानी कि उच्च दाब हो जाता है और बाहर निम्न दाब, तो फेफड़े हवा और गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जब फेफड़ों में उच्च दाब हो जाता है तो हवा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी खराब गैस होता है वो सभी निकलते हैं बाहर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से डिस्पेनिया का संबंध किससे है? तो दोस्तों डिस्पेनिया का संबंध फेफड़ों के विकृति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में अधिक से अधिक वायु अंतः श्वसन में लेने के पश्चात यानी इंस्पायरेशन करने के पश्चात वायु श्वसन यानी कि एक्सपायरेशन में अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकाली गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों बहुत एकदम अधिक जोर से एक ही बार में पूरे जोर से इंस्पायरेशन लेंगे, उसके पश्चात एक्सपायरेशन यानी श्वास लेंगे पूरे जोर से बाहर निकाल लेंगे, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, जिसकी क्षमता वाइटल कैपेसिटी की साधारण अवस्था में 4600 ml होती है। एंड जब हम सिंपल साधारण अवस्था में श्वास अंदर ले रहे हैं बाहर कर रहे हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, लेकिन जब पूरे सामान्य श्वास के बाद पूरी शक्ति से वायु को अंदर लेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री वे कहेंगे। और जब पूरे गहरे श्वास द्वारा वायु को बाहर गहरी श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालना सप्लीमेंट्री एयर कहेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद जब फेफड़ों में कुछ वायु बच जाती है उसको रेसिड्यूल एयर यानी अवशिष्ट वायु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु श्वसन के दौरान डायफ्राम मांसपेशी की स्थिति कैसी होती है? यहाँ पे वायु श्वसन का कहने का मतलब है एक्सपायरेशन, जब श्वास को बाहर निकाला जाता है। तो जब इंस्पायरेशन यानी कि श्वास अंदर लेते हैं उस कंडीशन में इंट्राकोशल मसल या डायफ्राम मसल्स जो है वो सिकुड़ती हैं। ठीक है, इंट्राकोशल मसल सिकुड़ती है, डायफ्राम भी सिकुड़ता है, जिससे डायफ्राम जो है नीचे चला जाता है और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और वायु बाहर से अंदर की तरफ आती है। जब वायु श्वसन यानी एक्सपायरेशन में क्या होता है, वो सिकुड़ रहे थे इंस्पायरेशन में, तो एक्सपायरेशन में क्या करेंगे, अनुशीतन अवस्था में आ जाएंगे। तो एक्सपायरेशन यानी वायु श्वसन में डायफ्राम और इंट्राकोशल मसल दोनों अनुशीतन की अवस्था में होती हैं, जिससे डायफ्राम ऊपर उठ जाता है और फेफड़ों में कम ज़्यादा वायु भार हो जाते हैं, कम जगह होता है, आयतन कम हो जाता है, जिससे हवा बाहर की तरफ निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरोमीटर द्वारा वायु की मात्रा मापने की इकाई क्या होती है? तो स्पायरोमीटर द्वारा फेफड़ों की श्वसन क्षमता मापा जाता है और उसकी मापने की इकाई क्या होती है, तो गैस या जो द्रव्य होता है वो सभी लीटर में मापा जाता है। यहाँ पे लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्शियल दाब के कारण फेफड़ों में क्या होता है? कल भी ये क्वेश्चन आपने पाया होगा। तो पार्शियल दाब के कारण डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है किसमें, एल्वोलाइज में, फेफड़ों के एल्वोलाइज में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, गैसों का आदान प्रदान वो किस कारण होता है, पार्शियल दाब के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है?
तो दोस्तों ये गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो यहां पे स्प्रिंग बैलेंस विषम है और ये सभी अक्षर वैसाखी समानांतर बार वाकर ये सभी सम है। नेक्स्ट दोस्तों, गैट प्रशिक्षण का संबंध किस अंग से नहीं है? तो यहां पे पंजे से है, कुल्ले से है, घुटने से है, बट आपका गर्दन से नहीं हो और कोहनी से भी नहीं होता। नेक्स्ट है, साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट है? तो दोस्तों साइनोवियल जो फ्लूइड होता है हमारे संधि यानी जोड़ों पर, दो हड्डियों के जोड़ जहां पे जुड़ता है लिगामेंट के द्वारा, वहीं पे साइनोवियल द्रव्य होता है, इसलिए कि दोनों हड्डी आपस में घिस करके कमजोर ना हो जाएं, उसको ग्रीसिंग देता है यानी घिसने से बचाता है साइनोवियल द्रव्य, और यही कमजोर होने लगता है तो इंसान चल नहीं पाता, अवरुद्ध हो जाती है गति। तो साइनोवियल के आसपास जो सूजन जलन महसूस होता है उसको साइनोवाइटिस कहते हैं, या जोड़ों पर होता है, जोड़ों की चोट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरदार खिंचाव के कारण टेंडन के तंतुओं का टूट जाने को क्या कहते हैं? आई होप कि आप आंसर दे दिए होंगे इस क्वेश्चन का। तो टेंडन एंड मांसपेशी के चोट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन यानी कि खिंचाव बोलते हैं। वहीं पे लिगामेंट के अधिक खिंच जाने को हम क्या कहते हैं? स्प्रेन यानी कि मोच कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रोनिक इंजरी किस प्रकार की चोट है? तभी जस्ट आपने पढ़ा था कि अवधि के आधार पर तीन भागों में चोटों को बांटा गया है, एक्यूट, पोस्ट एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो है 0 से 12 घंटे की चोट, तुरंत की चोट होती है, और पोस्ट एक्यूट 12 से 48 घंटे की चोट, एंड क्रोनिक इंजरी 48 घंटे से ज्यादा की यानी पुरानी चोटें होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पुरानी चोटों को क्रोनिक इंजरी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत टेंडन कौन सी है? दोस्तों जो टेंडन होती है कंकाल मांसपेशी यानी स्केलेटल मसल्स को हमारे हड्डियों से जोड़ती है, तो यहाँ पे जो टेंडन होती है सबसे मजबूत टेंडन होती है हमारे एड़ी की पास की टेंडन, जिसे हम एकलीज टेंडन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टीच नामक चोट का संबंध किस मांसपेशी से है? तो दोस्तों दौड़ते समय या पेट में एकाएक अचानक से तीखा दर्द होता है डायफ्राम मसल्स यानी पेट की मसल्स में, तो वहाँ पे उसको स्टीच बोला जाता है। तो यहाँ पे डायफ्राम यानी पेट की चोट को, पेट में तीखा दर्द को स्टीच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैम्प नामक चोट लगने के क्या कारण हैं? दोस्तों अक्सर ये वातावरण में परिवर्तन एंड जो हमारे केमिकल्स अपघटक हो जाते हैं, इसमें असंतुलन हो जाता है तो क्रैम्प हो जाता है। ठीक है, तो मांसपेशी में अचानक से खिंचाव आती है उसे क्रैम्प कहते हैं। तो इसको विद्युतीय अपघटकों की में असंतुलन यानी ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरदार आघात के कारण मांसपेशियों का थुर जाना, वहां नीला पड़ जाना या सूजन आना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है कंटयूजन, जिसे गुम्बर या गुम चोट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चमड़ी के नीचे पेशी में रक्त जम जाता है या नीला पड़ जाता है, यानी किसी बाहरी उपकरण के जोरदार प्रहार से पेशी के किसी से टकरा जाने पर इसमें रक्त वाहिनियां, पेशी, टेंडन, तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं। प्रहार के कारण रक्त वाहिनियों के कुचल जाने के से रक्त पेशियों में भर जाता है, इसको गुम चोट कहते हैं क्योंकि रक्त बाहर नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉनिक क्या है? तो दोस्तों टॉनिक एक प्रकार का बैंडेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोट को मैट बर्न के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों एवरेजन को मैट बर्न के नाम से जाना जाता है। एवरेजन जो है लाल पड़ जाना या मैदान पे गिर जाना, रगड़ लग जाना होता है, इसको टफ बर्न, गैट बर्न,
फ्लोर या सिंडरबर्न या एक्स्ट्राबेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, उस ट्रॉसन में किसकी आकृति होती बनती है? उस ट्रॉसन में ऊंट जैसी आकृति बनती है। नेक्स्ट है, 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? सबसे पहले आपको जानना है कि 21 मई 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो 21 जून 2020 को कौन सा होगा? छठा होगा, ठीक है। एंड 21 जून 2021 को सातवां होगा, 22 में आठवां होगा, 23 में नौवां होगा और 24 में जो 21 जून 2024 को मनाया जाएगा, दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देव ने योग की उत्पत्ति की? दोस्तों, योग की उत्पत्ति शिव के द्वारा हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग में अष्टम अंग क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग में 8 अंगों की बात कही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें समाधि जो है 8वां अंग है। 8वां अंग क्या है? समाधि है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य नमस्कार में मंत्रों की कितनी संख्या है? तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, तो 12 मंत्र भी होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में श्वास को अंदर लेना क्या कहलाता है? सही आंसर आपने टिक कर दिया होगा, श्वास को अंदर लेना कहलाता है पूरक। यानी प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक एंड रेचक। पूरक यानी श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना, कुंभक यानी कि श्वास को अंदर लेकर के रोके रखना। अंदर रोकने को वाह्य कुंभक और बाहर रोकने को, अंदर रोकने को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने को वाह्य कुंभक कहते हैं, 2 प्रकार का होता है। एंड रेचक में धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से ध्यान आसन कौन सा है? दोस्तों, ध्यान के लिए पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन, वज्रासन होता है, यहाँ पे पद्मासन आपका ध्यान आसन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वज्रासन कब किया जाता है? तो दोस्तों, एक ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है और सभी भोजन करने के 4-5 घंटे बाद किया जाता है, ठीक है। खाना खाने के जस्ट बाद वज्रासन किया जाता है, जिससे जो है पाचन अच्छा होता है और गैस नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम के कितने भाग माने जाते हैं? तो महर्षि पतंजलि ने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से यम जो होता है सामाजिक अनुशासन होता है, 5 इसके अंग होते हैं इसमें, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो नियम होता है, नियम को व्यक्तिगत अनुशासन अपने आप पर लागू करना होता है, यानी अपने प्रति किया गया शारीरिक और मानसिक नियम ही नियम कहलाता है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राविधान आता है। तो कितने भाग माने गए हैं? तो 5 भाग माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों, हृदय के द्वारा एक पंप यानी एक धड़कन में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, जो 70 ml के लगभग होता है। और 1 मिनट में हृदय के द्वारा निकाली गई रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 और हार्ट रेट 72 प्रति मिनट, दोनों को आप गुणा करेंगे तो 5040 ml यानी कि 5.04 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है, यानी कि जो हृदय जो है एक मिनट में कितनी रक्त को पंप करती है, 5 लीटर के लगभग। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। इसी प्रकार आप डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय।